दोस्तों, चैनल जिला आजमगढ़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बनारस एयरपोर्ट से मुंबई जाने के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस कोविड महामारी के दौरान अगर आप सफ़र कर रहे हैं हवाई जहाज़ से, तो आपको ये सब बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। आजमगढ़ से बनारस एयरपोर्ट तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगने ही वाले हैं। एयरपोर्ट आने से पहले आपको सबसे पहले टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। आप काउंटर से टिकट भी ले सकते हैं, अगर वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं कुछ एक आध हफ्ते पहले या किसी ट्रैवल एजेंट को बोलकर, तो वो सस्ता पड़ेगा। मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की थी, जिसका किराया लगभग 6000 रुपये था बनारस से बम्बई तक का। इस कोरोना काल के दौरान आपको कुछ बातों का बेहद ख्याल रखना है, जैसे कि अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करना, अपने मुंह पे हमेशा मास्क पहनना, और हाँ, मास्क आपके नाक के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो हमारे यहाँ देखा है मैंने, लोग नाक के नीचे अपनी मास्क को कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि जो वायरस है वो नाक से भी जा सकता है। दोस्तों, कोविड का समय है, इस दौरान फ्लाइट में अगर आपको सफ़र करना है तो RT-PCR आपको ज़रूर कराना पड़ेगा। RT-PCR की रिपोर्ट देखकर ही वो आपको फ्लाइट में उसने देंगे, अन्यथा आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं डिपार्चर वाली जगह पर, जहां से हमको एंट्री करनी है। आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की और टिकट की। मैंने अपना RT-PCR डॉक्टर लाल पैथ से कराया था, तो मेरी रिपोर्ट लगभग 12-15 घंटे के अंदर आ गई थी, और फिर अगले दिन हमने टिकट बुक की और मुंबई के लिए रवाना हो गए। RT-PCR का लगभग मुझे 800 रुपये देना पड़ा था। रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी आप सफ़र कर पाएंगे, अगर पॉजिटिव आ गई तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, ये है वेटिंग एरिया का नज़ारा। हमारी एंट्री हो चुकी है, और ध्यान रखना चाहिए आपको कि कोई भी ऐसी वस्तुएं न लाएं जो कि फ्लाइट में अलाउड ना हो। कोई भी जलने वाली वस्तु जैसे कि स्प्रे, लाइटर, नेल कटर जैसी चीज़ें आपके पास न रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसे वहां निकाल दिया जाएगा। बीच बीच में अनाउंसमेंट होते रहेगा कि आपकी फ़्लाइट कब है और आपको किस गेट नंबर पे जाना है। दोस्तों, मेरी फ़्लाइट इंडिगो है, जो कि गेट नंबर 5 से डिपार्चर होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आकर के वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पर सामान खाने पीने का बहुत महंगा मिलता है, तो अगर आप एक बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सब सामान अपने साथ पहले से ले आना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जैसे कि पानी की बोतल 50 रुपए की और कॉफ़ी 50 रुपए की। दोस्तों, ये मास्क शील्ड है जो आपको फ्लाइट के दौरान मिलेगी, इसको पहनने के बाद ही आप जा सकते हैं। इसमें आपको एक मास्क भी दिया जाएगा और सैनिटाइज़र भी। दोस्तों, अब हम फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये देखिए फ्लाइट के अंदर का नज़ारा, हम लोग अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे तो आपको कहा जाएगा कि सीट की बेल्ट बांध लीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको इस इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल फ्लाइट मोड में कर सकते हैं। प्रस्थान और अवतरण के दौरान आप लैपटॉप और मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विमान में धूम्रपान और मदिरा का सेवन निषेध है, और ये दंडनीय अपराध भी है।
यदि आप आपातकालीन निकास के पास बैठे हैं तो आपको निकास द्वार खोलना पड़ सकता है और सहयात्रियों की सहायता करनी पड़ सकती है। निकास के खोलने की विधि को समझें और पहचानें। केबिन क्रू द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आदेश मिलने पर निकास द्वार खोलें। विमान से शीघ्र बाहर निकलें और बाकी सहयात्रियों की सहायता करें। अगर इस सीट पर कोई 15 वर्ष से कम का बच्चा बैठा है या बच्ची बैठी है तो आप उससे सीट बदलने का आग्रह करें। निकास द्वार खोलने और सभी यात्रियों की सहायता करने के लिए तैयार न हों। आप अपनी शारीरिक स्थिति की वजह से द्वार न खोल सकेंगे। द्वार का वजन लगभग 15 किलोग्राम है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके हाथ में सामान है तो उसे ऊपर दिए हुए लगेज में रख दीजिए। आपकी टेबल बंद, सीट सीधी होनी चाहिए। इमरजेंसी में आप ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर सकते हैं और एक ब्रेस पोजीशन में आ सकते हैं। अगर विमान में किसी तरह का धुआं भर जाए तो एस्केप मार्ग को फॉलो करते हुए आप बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको बताया भी जाएगा। यदि बाहर आग, पानी या कोई बाधा हो तो निकास द्वार न खोलें। निकास द्वार से कूदने से पहले अपनी लाइफ वेस्ट को फुला लें और अगर आपके साथ बच्चे हों तो उन्हें भी पहना दें। अगर विमान पानी पर है तो राफ्ट या स्लाइड आपको मिल जाएगा, जिससे आप बाहर जा सकते हैं। बैठकर न कूदें, सीधे छलांग लगाकर कूदें। इन बातों का ध्यान रखें और दोस्तों चलिए अब चलते हैं, विमान उड़ान भरने वाला है। दोस्तों ये विमान लगभग 150 से लेकर के 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ान भरता है। जब ये विमान हवा में उड़ेगा तो आपको हल्का सा दबाव नीचे की तरफ पता चलेगा। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों प्लेन हवा में आ चुका है और अब हम कुछ सुनेंगे पंजाबी गाने, क्योंकि ये 2 घंटे का सफ़र है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो आपको टॉयलेट भी दिखा देते हैं, इस विमान में टॉयलेट कैसा है। अग लौण दा इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी सारे मेरी पग नू तेरी ब्यूटी दी की सिफत करा अपने हाथों का भी सगन गिफ्ट करा तेरे लक ते नजर टिकी रह गई गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई।
पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाखों का था यारों ने घेरा कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाखों का था यारों ने घेरा कर तू मनमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। करिए नैनों में किसी के खो गया हो करिए दिल चोरी साडा हो गया हो करिए नैनों में किसी के खो गया हो करिए गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई वो गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई वो गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई गल पुट के स्वीट जेहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, हम मुंबई लगभग पहुंच गए हैं। कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट होगा। देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाखों का था यारों ने घेरा कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाखों का था यारों ने घेरा कर तू मनमानी तो हमारा प्लेन लैंड हो चुका है और अब हम लोग प्लेन से बाहर निकलेंगे। रीजन में मुंबई के टर्मिनल 2 पर पहुंच गए हैं। आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोले। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कृपया अपने सामने वाले रो के यात्रियों के प्रस्थान के बाद ही आप अपने सीट से उठें। ये आपके राखी से यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड मोबाइल फोन विमान में ना रह जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोले और अपने सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो सीट बंद कर दें और एयरवेंट खोल दें। अपनी यात्रा में लोगों को शामिल करने के लिए धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड इन मुंबई एट टर्मिनल 2। इफ यू यूज योर मोबाइल फोन नाउ प्लीज रिमेन सीटेड अंटिल द एयरक्राफ्ट कम्स टू कंप्लीट स्टॉप एट द सीट बेल्ट फाइनल स्विच ऑफ। कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर व्हाइल डिक्लेयरिंग। Please stand up only when you see the person in the row in front of you moving towards the exit. This is for you and your fellow passengers' safety. Before you leave the aircraft, please check the seat pocket for any person belonging. ये देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट से बाहर जाने का रास्ता।
हम मुंबई पहुंच चुके हैं, बनारस एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट में बहुत अंतर है। यहाँ पर हमने जो अपना लगेज सबमिट किया था वो हमें मिलेगा, उस पर हमारा टैग लगा हुआ है और हमें अपना बैग खुद ही देखना है। दोस्तों स्मोकिंग लाउंज है, जो लोग सिगरेट पीना चाहते हैं, जिनको प्लेन में काफ़ी तलब मची हुई थी सिगरेट पीने की, वो यहाँ आकर स्मोकिंग लाउंज में सिगरेट पी सकते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको टेस्टिंग लाउंज भी मिल जाएगा, यहाँ आप शराब पी सकते हैं, शराब खरीद के अपने साथ ले भी जा सकते हैं। अब हम दोस्तों आ गए हैं बाहर जाने के लिए ओला पिकअप पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको कई तरह की टैक्सियाँ अवेलेबल हो जाएंगी, आप यहाँ आकर बुकिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको टैक्सी से नहीं जाना तो आप बाहर जा सकते हैं। हमने एक टैक्सी बुक कर ली है और अब हम लोग पार्किंग की तरफ जाएंगे। दोस्तों हमारी टैक्सी आ चुकी है और हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों हम फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं और देखिए ये है मुंबई का नज़ारा रात का। मुंबई का माहौल बिल्कुल ही अलग है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की और वीडियोस बनाता रहूँगा, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी को जरूर प्रेस करें।